नमस्कार, मेरा नाम प्राची विजय कदम है और मैं शाम दीवानी चैनल के लिए आज एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ये मेरे कान्हा जी है और मैं इनके बारे में 30 सेकंड तक ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इनके बारे में ये बात अच्छी लगती है कि किसी भी भक्त को अपने निर्मल मन से कोई भी दुख हो, कोई भी कारण हो, वो स्वीकार कर लेते कैसे भी तरह से, फिर वो सिर्फ समर्पण के भाव से आए तो बस बहुत है उनके लिए और वो आपको स्वीकार कर लेते हैं। और उनके दिल में कोई किसी चीज की इच्छा नहीं रहती कि उनके लिए कुछ लेके आए या कुछ देने आए, बस वो आ जाए, बस वो यही चाहते हैं, वो बुलावे पे बस हम पहुंच जाते हैं उनके। और मैं शाम दीवानी के बारे में जब से मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ तब से मैंने शाम दीवानी के बारे में जाना है और शाम दीवानी को जैसे मिल गई तैसे ही मुझे पता चला कि मेरी खोज पूरी हो गई। थैंक यू। हरे कृष्ण, राधे राधे। कान्हा जी का एक रोल जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, जिसमें उन्होंने हमें भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ दिया है जो हमें जीवन कैसे जीना वो सिखाती है। कान्हा जी की लीला, कान्हा जी की मित्रता लीला कौन नहीं जानता, कृष्ण सीधा सुदामा को सब जानते हैं, जिसमें कान्हा जी ने सिखाया है कि मित्रता में ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं देखा जाए। अब बारी श्याम दीवानी जी की। श्याम दीवानी हमें भक्ति करना सिखाती, कान्हा जी की सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें। मुझे सबसे अच्छी श्याम दीवानी चैनल यूट्यूब पे लगती है। कलयुग में भक्ति का मार्ग कैसे, भक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़े उनकी तरफ प्रेरित करती है। उन्होंने एक सुंदर सा भक्तों का परिवार बनाया है जिसमें सारे भक्त अपने सुख दुख सारे प्रश्न सब पूछते और सब प्रश्नों के जवाब श्याम दीवानी जी के पास से ना मिले ऐसा तो कभी संभव ही नहीं। हरे कृष्णा राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। सबसे पहले तो श्याम दीवानी जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें अपनी कुछ बातें कहने का मौका दिया। भगवान श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण है। उनकी बाल लीलाएं, प्रेम रस, राजनीति, उनका संपूर्ण जीवन ही शिक्षाप्रद है। किसी एक लीला को पसंद कर पाना बड़ा कठिन है। फिर भी मुझे श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उद्धव जी का अहंकार भंग करने वाली लीला अत्यंत प्रिय है। उद्धव जी को बिना जताए उनके अहंकार को भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से खत्म किया। अध्यापिका होने के नाते प्रभु की इस लीला से मैं यही सीखने की कोशिश करती हूँ कि विद्यार्थी को उसकी बुराई का एहसास ना दिलाते हुए उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश करूँ। श्याम दीवानी जी, आपसे जुड़े हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो गए हैं। एकादशी व्रत के लिए मैंने सर्च किया तब फर्स्ट टाइम आपका चैनल मेरे सामने आया। आज ये हालात है कि किसी भी व्रत का महत्व जब तक आपसे सुन न लूं व्रत अपूर्ण ही लगता है। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप। ईश्वर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण राधे राधे। हेलो, नमस्ते दीदी। मुझे कान्हा जी हमारे जैसे घर में हमारे मेरे मायके में मम्मी ने प्राण प्रतिष्ठा की हुई है कान्हा जी की, तो उनकी मैं कई बार जैसे ड्रेसेस वगैरह लेके जाती हूँ मंदिर में, माथा टेक के आती हूँ, तो इसीलिए वो पता नहीं इस वजह से मुझे दिखे हैं या किस वजह से दिखे हैं ये मुझे नहीं पता, या फिर उनका क्या आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और ये श्याम दीवानी परिवार मेरे को इसीलिए अच्छा लगता है कि आपकी दीदी जी जो स्टोरी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आपका बोलने का तरीका, आपका सुनाने का तरीका बहुत बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को। और दीदी आप बहुत अच्छे लगते हो हमारे को। थैंक यू। हरे कृष्णा राधे राधे। राधे राधे दीदी। आपका चैनल मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत मुझे कुछ व्रत त्यौहार दिन त्यौहार का कुछ नहीं पता था, मैंने आपसे ही सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कह रही हूँ। और कान्हा जी की इतनी कृपा है, मैंने जितनी बार उनकी कथा कहानियाँ सुनी हैं, कोई भी लीला सुनी है, बस उनसे दिनों अटैचमेंट हो गई है। यहाँ मेरे आसपास घर परिवार में कोई भी कृष्ण भक्त नहीं है। आपकी कथा कहानियाँ सुन के मुझे एकादशी व्रत और कार्तिक माघ सारे माओ की जानकारी मिली है। आपकी कथा कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ और बांके बिहारी की सच्ची घटनाएं बहुत दिल को छू जाती है। धन्यवाद दीदी। राधे राधे। राधे राधे। कान्हा जी को प्रिय करने वाली मैं कौन हूँ? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कान्हा जी ने मुझे पसंद किया कि उनकी भक्ति उनका आशीर्वाद मुझे मिला। कान्हा जी के सभी रूपों में से मुझे बाल रूप सबसे मनमोहक लगता है। मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। उनकी सेवा करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यशोदा मैया तो मैं ही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। और श्याम दीवानी जी का चैनल जब मुझे पता चला था तब मैंने वो
शुरू किया देखना तो मुझे धीरे धीरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते गए और मैं कान्हा जी से और भी जुड़ती गई। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की एक लीला जो मुझे बेहद प्रिय लगी वह देवी द्रौपदी की लाज रखना। महाभारत काल में जब भरी सभा में द्रौपदी ने सभी ओर से निराश हो श्री कृष्ण को पुकारा तब उन्हीं केशव ने उन्हें निर्वस्त्र होने से बचाया। बाद में उन्हीं द्रौपदी ने वनवास काल में जब ऋषि दुर्वासा समेत उनके शिष्यों के भोजन का प्रबंध न हो पाने पर श्री केशव को पुकारा तब उन अखिल ब्रह्मांड के अधिपति ने मात्र एक सूक्ष्म अन्न का कण खाकर दुर्वासा ऋषि समेत उनके शिष्यों को तृप्त कर दिया। कहने को तो कान्हा जी को 56 भूख प्यारा है पर जब भक्त के आन पर बात आती है तो अन्न के एक कण से ही तृप्ति पा लेते हैं। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आप ही के चैनल और मम्मी की प्रेरणा से मैंने और मेरे सिस्टर ने कार्तिक माह स्नान और व्रत किया और नियमित महत्तम सुने और अभी भी सावन मास महत्तम सुन रहे हैं। दूसरी बात, आपके द्वारा दी गई एकादशी संबंधित जानकारी का मुझे और मेरे परिवार को बेसब्री से इंतजार रहता है। जिसके रक्षक देवकी नंदन भगवान श्याम सुंदर हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा राधे राधे। मुझे श्री कृष्ण एज अ गुरु अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो और लोगों की मदद करते हैं। वैसे ही मैंने उनसे प्रेरणा लिया कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं और मैं करता भी हूं। और श्री कृष्ण में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब अच्छी ना लगती उनकी कोई भी लीला। और श्याम देवानी चैनल मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि वो भगवान जी से रिलेटेड बातें बताते हैं और मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं इस वजह से। हरे कृष्णा राधे राधे। मेरा नाम जतिन है। मुझे आपके चैनल से जुड़े हुए 4 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने आपके चैनल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो कि मैंने अपनी आज तक किसी से भी नहीं सीखी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो मैंने जो सीखा वो है विशाख के बारे में और मैंने विशाख का स्नान भी किया और मुझे 2 साल हो चुके हैं विशाख का स्नान करते हुए और मैंने उसकी सारी स्टोरीज जो भी हैं वो भी सुनी और वो स्नान भी किया, उसमें जो भी बताया था वो सब किया। और जैसे जो कार्तिक होता है उसकी भी सारी बातें मुझे पता चली, जैसे उसमें क्या क्या दीपदान करते हैं, कितनी बत्तियाँ किसके लिए बनाई जाती है, वो भी मैंने पहली बार ही सब सुना था। तो मैंने वो भी जो है पिछले साल फर्स्ट टाइम किया। और मुझे नवरात्रों में जैसे घट स्थापना कैसे करते हैं और वो जो जोत पे हवन कैसे करते हैं वो सब भी मैंने मतलब आपके चैनल से ही सीखा है। और मैंने बहुत सारी ऐसी जो है ना चीज़ें सीखी हैं जो शायद मैं लाइक एक्सप्लेन भी ना कर सकूं क्योंकि इतना कुछ सीखा है कि मैं मतलब कैसे बताऊं कितना मैंने सीखा है। और मैंने बहुत सारी आपकी जो आपने इतने सारे महात्म्य सुनाए हैं जैसे विशाख महात्म्य, माघ महात्म्य और जो आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाया है उनसे उनमें से भी जो सीख मुझे मिली है मतलब मैंने उन्हें भी हमेशा अपने साथ संजो के रखा है कि ताकि मेरे वो काम आ सके हमेशा लाइफ में। एंड मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम से खुश हूँ कि चलो मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और वो भी एक यूट्यूब चैनल से। एंड मेरे पास जो है जाप करने के लिए एक रुद्राक्ष की माला है जिस पर मैंने आपसे ही सीख करके प्रेरित होकर हरे कृष्ण महामंत्र की केवल एक ही बार जो है जाप किया है। और मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, वो नहीं है तुलसी की माला नहीं है। और मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे पास एक तुलसी की माला हो, तो बस मुझे तुलसी की माला की ही इच्छा है और मुझे किसी दूसरी चीज़ की इच्छा नहीं है, बस क्योंकि मेरे पास रुद्राक्ष की माला है इसलिए। हरे कृष्णा राधे राधे एंड जय बांके बिहारी की। हरे कृष्णा राधे राधे। आज मैं आपको ठाकुर जी के बारे में बताऊंगा। ठाकुर जी को मैंने वैसे तो भाई माना अपना, मैं उनको सारी बातें बताता हूँ चाहे वो कोई भी हो, घर की हो, स्कूल की हो, फ्रेंड्स की हो, अब तो कोई दोस्त की कमी भी नहीं लगती। और मैंने भक्ति में आके ये सीखा है कि जो पहले था भक्ति से तो ऐसा लगता था कि कुछ बुरा हो, बुरा काम करूँ मैं या कोई मेरा बुरा करे मुझे बहुत बुरा लगता था। बट अब सब न्यूट्रल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर किसी का बुरा करना चाहूँ तब भी ऐसा लगता है यार नहीं नहीं अब नहीं करना, मतलब किसी का क्यों झगड़ा करना या क्यों हम किसी के साथ शांति में से नहीं रह सकते। और रही बात श्याम दीवानी की, श्याम दीवानी तो मैं बेस्ट से बेस्ट तो चैनल मानूंगा यूट्यूब पे भक्ति के लिए क्योंकि ये सबसे सरल भाव में हमें पूजा करना सिखाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मैंने सरल भाव यहीं से सीखा है। ठाकुर भक्ति में आने से पहले मुझे ये कुछ नहीं पता था कि कैसे पूजा करनी कैसे नहीं, सब मुझे श्याम दीवानी ने ही सिखाया। थैंक्स फॉर दिस। राधे राधे। एक बार मथुरा से एक फल वाली फल बेचने के लिए ब्रज मंडल पहुंची। भगवान कृष्ण के महल के आगे उसने फल बेचना शुरू किया। बाल कृष्ण फल लेने के लिए आए और बदले में अंदर से अनाज भर करके दोनों मुट्ठियों में लाए।
और जब वे वहां पहुंचे तो उनके हाथ में केवल 2-3 दाने ही अनाज के बचे, जिसे उन्होंने उसके टोकरी में डाल दिया। बदले में उस फलवाली ने सारे फल कृष्ण भगवान को दे दिए और अपने घर आ गई। जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात माणिक मोती से भरी हुई है। इस कथा से हमें ये पता चला कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित कर लेता है, भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। साथ ही श्याम दीवानी चैनल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा आध्यात्मिक एवं वैष्णवीय क्रांति का जो सूत्रपात हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। हरे कृष्णा राधे राधे। मैं नीतू राजपुरोहित श्री गंगानगर राजस्थान से, ये और ये है मेरा गोकुल। जब से ये मेरे घर में आया है, मेरे घर का एक अधूरापन दूर हो गया और मेरे सब फैमिली मेंबर्स की ये जान बन चुका है। इसके बिना मेरे मुझे बिल्कुल खालीपन लगता है, और अगर मैं एक पल भी इससे दूर होने का सोच लूँ या कहीं जाने का सोचूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये मुझे इसके जीवन की बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, पर जो सबसे अच्छा मुझे इसका लगता है वो है दोस्ती। इन्होंने दोस्ती के लिए कोई जाति नहीं देखी, कोई ऊंच नीच नहीं देखी, इसलिए मैं भी वही सोचती हूँ कि दोस्ती जरूरी नहीं है कि अपने बराबर वालों में हो। दोस्ती सिर्फ मन से होती है, सच्चा प्रेम होना चाहिए उसके लिए। इसलिए मैं भी वो ही गुण अपनाना चाहती हूँ। और श्याम दीवानी चैनल से जुड़ के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। मेरा कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैं प्रीति मैडम को ही फॉलो करती हूँ, और वो ही मेरी गुरु है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली मुझे कभी गुरु बनाने की परमिशन नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उनको ही गुरु माना और उनको ही फॉलो किया। इसलिए आई लव श्याम दीवानी चैनल एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। मुझे कान्हा जी के जीवन की सबसे प्रभावशाली लीला जो उनकी लगती है ना, उनकी बचपन की लीलाएं, उनकी बचपन की कहानियां लगती हैं। कैसे कान्हा जी अलग अलग लीलाएं करते हैं, कभी मटकी फोड़ते हैं, कभी वस्त्र चुरा लेते हैं, और कैसे अलग अलग दानवों का, असुरों का वध करके सत्य की जीत को प्रतिस्थापित करते हैं। कान्हा जी की बाल रूप की सेवा करके अति आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी के चरणों की सेवा करके मज़ा ही आ जाता है। और मुझे श्याम दीवानी इसलिए पसंद है यूट्यूब चैनल, वो लोग हमें अलग अलग व्रत नियम ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए इन सब के बारे में बताते हैं और हमारी मदद करते हैं। और मुझे बड़ा ही आनंद आता है उनकी वीडियोस देख के, पता लगता है कब एकादशी आ रही है और कब पूर्णिमा आ रही है, कब कैसे सेवा करनी है, क्या करना है, ऋतु अनुसार क्या परिवर्तन करना है, बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। ठाकुर जी को मैं अपना भाई मानता हूँ, और ठाकुर जी मेरे जीवन में बड़ी मुश्किलों के बाद आए थे, बट आ गए हैं वो उसी बात की खुशी है। मैं इन्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय मानता हूँ। ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं। इस समय जब ऐसा था, जब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था, तब मेरा साथ ठाकुर जी ने दिया। मेरे साथ कई बार ऐसी कुछ विचित्र घटनाएँ भी घटी हैं जिनसे मुझे आभास होता है कि कान्हा जी और राधा जी मेरे साथ हमेशा से रहते हैं। इनके बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। मैं तो समझ भी नहीं आ रहा मैं इनकी महिमा का बखान किस प्रकार करूं, क्योंकि श्री राधे की चरण की महिमा कोई नहीं लिख सकता, रज की महिमा नहीं लिख सकता, तो मैं ठाकुर जी की महिमा का बखान क्या करूं। धन्यवाद दीदी आपका कि आपने हमें मौका दिया मन के भाव प्रकट करने का, और हमें आपका चैनल देखना बहुत अच्छा लगता है। जो आप सत्य घटनाओं पर आधारित बनाते हो वो बहुत पसंद है, सत्य घटनाएं सुनने में बहुत आनंद आता है। बस श्री राधे की महिमा हम सब पर यूं ही बनी रहे। राधे राधे। मैं मैया कान्हा की, कान्हा मेरा घनश्याम, जिसके बिना सोनी मेरी सुभा शाम, मैं तुझ प्राणी कैसे करूँ तेरा गुणगान, माँ करती अपने लाल से कितना प्यार, इस सवाल का क्या दूँ मैं जवाब, आंसू जब भी आते मेरे मेरे कान्हा से देखे नहीं जाते, जब भी कोई विपदा आई मेरे शाम ने दूर भगाई, जब मेरी सखी के घर गए कान्हा वो तुलसी दल रखना भूल गई, कान्हा ने मुझे तभी आभास कराया, फिर तुलसी दल रखकर उसने भोग लगाया, श्याम दीवानी परिवार से जुड़ गए, इस कलयुग की संसार में श्याम दीवानी परिवार मिला, जिसने अध्यात्म का प्रसार किया, हर घर में कान्हा की महिमा का बखान किया, बिहारी जी की मन विभोर करती कहानियां, भक्तों के प्रश्न का जवाब मिला, धन्य है वह माँ जिसकी कोख से आपने जन्म लिया, जय बिहारी जी। राधे राधे।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बात है 4 साल पहले की, जब मेरे लड्डू बाबू इस घर में आए थे तो तब मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, मैं श्याम दीवानी मैम की वीडियोस देखता था, उसमें कैसे श्रृंगार करते हैं, कैसे एकादशी में उनका भोग लगाते हैं, कैसे कथा करते हैं, कैसे व्रत करते हैं। तो ये मुझे श्याम दीवानी मैम की वीडियोस देख के ही पता चला है। और मुझे ठाकुर जी की वो लीला सबसे अच्छी लगी जब वो गोपा देवी के रूप में बरसाना गए थे, और उससे मुझे ये पता चला कि आप अपने, अगर आपके बीच में प्रेम है किसी दो लोग के बीच में, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हो। और ठाकुर जी मेरे पिता भी हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, लड्डू बाबू तो मेरे बच्चे के समान है। तो श्याम दीवानी मैम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छे से बनाती है, कथाएँ बताती है, अध्याय बताती है, महात्म बताती है, श्रृंगार वीडियो बनाती है। तो वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है। जय श्री कृष्ण।